पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते काले वर्षतु पर्जन्यः शालिनी देशो यम क्षोभ्रहितो ब्राह्मणा संतु निर्भया त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न नत्वहं कामय राज्यं स्वर्गं ना पुनर्भवम् कामय दुःखतप्तानाम् प्राणिनाशनम वंशी विभूषित नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा परम कि तत्व न जाने वसुदेवसुत कंसचाणूर्मर्दनम देवक परमांदम कृष्ण वंदे जगदुरु का दोषोपहतस्वभा पृछा तां धर्मसमूचेता ब्रूहि ब्रूहित शिष्यस्ते हम शाधि प्रपन्नम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्लनाशा गोविंदय नमो नम सच्चिदाननंदय विश्वत्पत्ति हेतव कृष्णाय श्रीकृष्णा नमः प्रपन्न पारिजातायत्रैक ज्ञान ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः बोलिये गीता गोपाल की जय सच्चिदानंद भगवान की जय राम परम पिता परमात्मा की असीम अनुग्रह के कारण कृपा के कारण आज हम सब एक बार फिर से इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को वंदन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से कुछ स्वाध्याय चर्चा कुछ सत्संग हमारा इन दिनों चल रहा था जिस क्रम में हम अठारवें प्रकरण में श्लोक नंबर बहत्तर तक पहुंचे थे तो उसी बहत्तरवें श्लोक से आगे की यात्रा अब आज प्रारंभ करेंगे और अठारवें प्रकरण के कुछ अंतिम श्लोकों को आज करने की कोशिश करेंगे कल जो हमने श्लोक जो पिछली बार हमने श्लोक पढ़ा था वो था सूत्र नंबर सेवेंटी टू अष्टावक्र गीता अष्टावक्र संहिता इसके दो नाम हैं और इनके चैप्टर्स को प्रकरण बोलते हैं और श्लोकों को बोलते हैं सूत्र तो सूत्र कहें या श्लोक कहें एक ही बात है तो हमारा सूत्र नंबर बहत्तर था उसका जो हमने पिछली बार किया था उसमें कहा गया था कि स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यत क्व बंध क्व मोक्ष है क्व हर्ष क्व विषादता जैसा कि आपको मालूम है ये एक ऐसे महापुरुष की उस अवस्था का वर्णन चल रहा है जिस अवस्था में उसको तत्व का साक्षात्कार हो गया है ना उसको हम कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति हो गई जब अपरोक्ष अनुभूति हो जाए तो व्यक्ति की क्या दशा होती है बाहर से कैसा लगता है अंदर से कैसा होता है उसका वर्णन किया जा रहा है और जगह जगह कह भी आए हैं आगे भी कहेंगे कि यह अवस्था अनिर्वचनीय होती है वर्णन करने लायक नहीं होती न तो वो अपना वर्णन खुद कर पाता है और ना दूसरा देखने वाला तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता क्योंकि बाहर से वो कुछ दिखाई देता है कोई उसको पागल समझता है कोई उसको जड़ समझता है अब जड़ भरत थे अंदर से जागृत थे लेकिन बाहर से ऐसे बैठे रहते थे लोगों ने उसका नाम जड़ रख दिया जड़ भरत नाम तो भरत ही था तो कोई बाहर से तो अंदाजा लगा नहीं सकता और वो अपना वर्णन खुद कर नहीं सकता महर्षि अष्टावक्र जी हम सबको इस संगीता के माध्यम से जिस अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं उस अवस्था का वर्णन वो जनक जी को माध्यम बना के कर रहे हैं उसी क्रम में उन्होंने कहा कि देखो अनंत की पूर्णा रूप जो हो गया अनंत मतलब वो परम तत्व जो अनंत है उसकी स्फुर्णा होती है स्पूर्णा का मतलब है कि जो संकल्प से भी पहले की एक अंदर से एक चिंगारी होती है उसका अनुभव हो जाए कोई चीज मन में आने से पहले एक स्पूर्णा होती है वो स्पूर्णा जो और दूसरा स्पूर्णा का मतलब है कि एक चमक एक जैसे चिंगारी की चमक होती है ना कि वो फ्लैश तो उस अनंत का अनुभव एक फ्लैश के रूप में जिसको अंदर हो गया और वो वही रूप ही हो गया अनंत तो स्वर्ण रूपेण तो वो इस संसार को फिर क्या देखे संसार को क्या समझे इस संसार से उसको क्या लेना देना प्रकृतिमच न पश्च्यता और प्रकृति को न देखते हुए अर्थात इस जगत को वो नहीं देखता केवल उसके अंदर एक स्वरणा आत्म रूप की अपने स्वभाव की अपने एक स्वरूप की स्वरणा जिसके अंदर हो रही है परमात्मा की स्वरणा जिसके अंदर हो रही है ऐसा व्यक्ति उसके लिए क्या बंधा उसके लिए कौन सा बंधन है है ना आप हम बंधन का विज्ञान कई बार डिस्कस कर रहे हैं कि बंधन है क्या जिसके लिए हम मुक्ति चाहते हैं है ना जो एक क्रम होता है कि साहब उसमें मुमुक्षता पहले आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वो सब करके करके योग की सारी क्रियाएं करते हुए वैराग्य हो वैराग्य विवेक हो विवेक के बाद वैराग्य हो वैराग्य के बाद षठ संपत्ति डेवलप हो षठ संपत्ति के बाद मुमुक्षता जागृत हो मुमुक्षता का मतलब मोक्ष की इच्छा जागृत हो अच्छा मोक्ष की इच्छा किसको जागृत होगी जो अपने आप को बंधन में समझेगा अगर कोई बंधन में है ही नहीं तो उसके अंदर मोक्ष की इच्छा क्यों जागृत होगी यहाँ पे कहा गया कि जो इस अवस्था में पहुंच चुका है है ना जिसको परम तत्व की प्राप्ति हो चुकी जो अपने स्वरूप में जागृत हो चुका अपरोक्ष हो चुका अनुभूति हो चुकी तो ऐसा व्यक्ति उसके लिए क्या बंधन कौन सा बंधन है एक स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी एक स्टोरी सुनाया करते थे कथा सुनाया करते थे एक कोई संत हुए संत प्रेमपुरी जी महाराज अवधूत संत थे बहुत अच्छे संत हुए प्रेमपुरी जी महाराज तो वो वृद्धावस्था तक खूब साधन करते रहे खूब साधना करते रहे जप तप करते रहे सारी योगिक क्रियाएं भी उन्होंने की सब कुछ किया बद्रीनाथ में रहके तप किया करते थे बद्रीनाथ तो वहां एक दिन बैठे थे किसी शिला के ऊपर नीचे गंगा जी थी वो सोच रहे थे कि अब शरीर वृद्ध हो गया शरीर से जो कुछ कर सकते थे कर लिया लेकिन अभी तक तत्व की प्राप्ति हो नहीं रही ऐसे शरीर को रख के क्या फायदा आज मैं नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगा ऐसे मन में सोच रहे थे विचार कर रहे थे एकांत था बिल्कुल एकांत का समय था शाम हो गई थी और कहते हैं कि अकेले बैठे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे अंदर इतनी जिज्ञासा हो रही थी कि मैं क्या करूं कैसे करूं अब शरीर को ही छोड़ दो शरीर का क्या फायदा उसी समय कहते हैं कि एक कोई माता जी वहां से निकली वो तो कहाँ से आई उसे एकांत वाले एरिया में कैसे आ गई ये तो अब सोचने की बात है माता जी आ गई बोली महाराज जी को प्रणाम करके बोली महाराज जी क्या बात है आप कुछ उदास लगते हैं बोले कि नहीं माई कुछ नहीं बस मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रहा था वो बोली नहीं नहीं आप मुझे बताइए मैं आपकी कुछ सेवा करूं मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं उन्होंने एक दो बार टालने की कोशिश की फिर उनको बता दिया बोले कि बस माता जी आप इसमें क्या कोई मेरी मदद करेगा मुझे अभी तक मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा मोक्ष का अनुभव नहीं हो रहा मैं क्या करूं मैं तो जो जो मार्ग मेरे गुरुदेव ने बताया सब कुछ मैं कर चुका हूं तो बोली अच्छा आप, आप बंधन से मुक्ति चाहते हैं ये तो मेरे लिए बहुत आसान है मैं आपका मदद कर सकती हूँ आप मुझे केवल इतना करें अपना बंधन दिखा दें मैं उसको वहां से मुक्त करा दूं आप शरीर छोड़ रहे हैं क्या आपको लगता है कि शरीर आपका बंधन है शरीर छूटेगा उससे क्या आपका बंधन समाप्त हो जाएगा अब वो विचार करने लगे वो माता जी चलेगी बोले कि अच्छा ठीक है आप महाराज जी आप सोच के रख लो मुझे मैं अभी थोड़ी देर में लौटती हूँ फिर आप मुझे बता देना तो कहते हैं कि स्वामी प्रेमपुरी शिला के ऊपर बैठ के आंखें बंद करके ऐसे ध्यान में मग्न हुए विचार करते रहे मेरा बंधन कौन सा बंधन है कौन सा क्या बंधन है मेरा क्या बंधन बंधन सोचते 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 जब पता चला कि कोई बंधन ही नहीं है तो उनको वही अपने स्वरूप की प्राप्ति और वो माता जी फिर वहां से कभी नहीं आई वो भगवत प्रेरणा थी भगवत कृपा थी जो उस रूप में उनको एक रास्ता दिखा गई तो वो स्वामी जी लिखा करते थे कि ये पूछने वाले प्रश्न यही होते हैं इंसान के कि को नाम बंध कथमेश आगत ये बंधन जो नाम है ये कौन सा है क्या है ये बंधन और कथम ये आगता है और ये आया कहाँ से था आया कहाँ से है कथम प्रतिष्ठा से इसकी प्रतिष्ठा कैसे हुई कैसे हुई प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मतलब उसकी एक्जिस्टेंस कैसे आई इस बंधन की और कथम विमोक्ष कथम च विमोक्ष और इसकी इससे मुक्ति कैसे होगी तो वो ये कहते थे कि बस यही कुछ प्रश्न हैं जो केवल आपको अपने आप से पूछने चाहिए कि ये बंधन कैसा है किस चीज का नाम बंधन है मेरे लिए और कहा से आ गया ये कैसे प्रतिष्ठित हुआ मेरे अंदर और इससे कैसे मुक्ति हो आपने ध्यान दिया होगा कि इसी प्रकार के प्रश्न से तो श्री अष्टावक्र गीता जी का प्रादुर्भाव यहीं से तो शुरुआत हुई है उपदेश की जनक जी ने प्रश्न पूछा है ना कि मुक्ति कैसे होगी इस मुक्ति कैसे होगी इसी प्रश्न के उत्तर देते 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 इस अवस्था तक आ गए कि वो कहते हैं कि जब बंधन ही कहीं ना था कहीं नहीं था तो मुक्ति का क्या प्रश्न उठता है मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता तो इस अनंत की स्पुरना वाले इस ज्ञानी के लिए जो प्रकृति को देखता ही नहीं अर्थात संसार से कुछ मतलब ही नहीं रखता संसार से मतलब ही नहीं रखना रखता का मतलब कि ये संसार है तो होता रहे जैसे है वैसे चलता रहे क्योंकि उसको इसमें इसके इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता प्रकृति में न पश्च्यता प्रकृति को देखता ही नहीं ऐसा व्यक्ति है अच्छा भक्ति भाव से एक छोटी सी कथा इस जो संसार की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं लेता ऐसे अपने भक्त के या ऐसे ज्ञानी के लिए भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं इसकी छोटी सी कथा मैंने एक बार पढ़ी थी कहते हैं कि एक कोई बेटी थी उसने अपनी मां से एक दिन कहा कि मम्मी आप मुझे इतना प्यार करती हैं और मैं आप के अनुरूप बनने की कोशिश करती हूं हमेशा आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मां ने कहा पूछो तो उसने कहा कि मां मुझे एक बात बताओ कि क्या कभी कोई ऐसा भी टाइम आया जब आपकी आंखों में मेरे कारण आंसू आ गए हो प्रश्न थोड़ा टेढ़ा था लेकिन मां सोचने लगी फिर उन्होंने जब जवाब दिया वो बहुत सुंदर मार्मिक जवाब था वो बोले कि बचपन में एक रस्म होती है लोग करते हैं अभी भी करते हैं इस तरह से कि बच्चे के आगे बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं ना वो फिर देखते हैं बच्चा किस चीज़ को हाथ लगाएगा और जिस चीज़ को हाथ लगाएगा तो फ्यूचर में उससे संबंधित उसका कैरियर बनेगा फॉर एग्जाम्पल कहते कि जब तुम छोटी थी अभी घुटनों चलती थी तब हमने ऐसा करके देखा था एक बार हमने तुम्हारे सामने एक माला रख दी थी कुछ पैसे रख दिए थे कुछ किताबें रख दी थी इस तरह से कुछ सामान रख दिया था कि देखे तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा आकर्षित करती है तो तुम्हारे आगे हमने रखा और हम मैं और तुम्हारे पापा पीछे बैठ के देख रहे थे सामने से देख रहे थे तो तुमने घुटनों चलते चलते तुम आई और तुमने उन सब चीजों को एक तरफ धक्का दिया और दौड़ के आगे तेजी से आके तुम मेरी गोदी में चढ़ गई थी तो मेरी आंखों में आंसू आए थे तो जो व्यक्ति संसार को ना देखता हुआ केवल उसी अनंत की सुवना में रहता है केवल उसी अनंत की जिज्ञासा में रहता है केवल परमात्मा तत्व की जिज्ञासा में रहता है तो जितनी व्याकुलता साधक को भगवान से मिलने की होती है ना उतनी व्याकुलता भगवान को भी साधक से मिलने की हो जाती है भगवान का वायदा है ये यथा माम प्रपद्यंतेथव भजाम्य हम जो साधक जो भक्त मुझे जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं मैं उसी प्रकार से उनका भजन करता हूं अर्थात मैं उसी प्रकार से उनकी साधना को सफल बनाता हूं तो भगवान से जो संबंध बनाएंगे भगवान उसी प्रकार का संबंध बनाएंगे लेकिन उसके लिए जरूरी रहेगा कि आप संसार के सारे अट्रैक्शंस का त्याग करें यहां जो कहा गया कि केवल एक अनंत की सुर्णा है और प्रकृति को देखता ही नहीं है उसके लिए कोई बंधन नहीं है कह क्वा बंधा क्वाल मोक्ष जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कैसी किस प्रकार का बंधन किस प्रकार का मोक्ष क्या हर्ष और क्या विषाद उसको हर्ष और विषाद ये जीव के मन के स्वभाव हैं मन के जो वो है गुण है मन कभी हर्षित होगा कभी दुख में जाएगा लेकिन अब तो मन तो रहा नहीं क्योंकि वो तो आत्मा में ही स्वर्णा हो गई है आत्मा में ही उस ज्योति में ही मिल गया है तो कहते हैं कि जब उस आत्मा की इस में चले गए तो फिर मन तो रहा नहीं मन नहीं रहा तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये सब कैसे हो श्री रामचरितमानस मानस में कहा गया हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञानु जीव धर्म अहमिति अभिमानु ये सारे की सारी चीजें जो होती है ना हर्ष हो गया विषाद हो गया मैं हो गया मेरा हो गया ज्ञान हो गया अज्ञान हो, हो गया ये सारी चीजें जीव का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है और जो व्यक्ति अपने आत्मा में जागृत होके आत्मा के लेवल पे बैठा है तो उसके लिए ये सारी चीजें पीछे रह गई तो इसलिए उसके लिए इस प्रकार के प्रश्न ही नहीं उठते तो उसको कोई हर्ष नहीं है कोई विषाद नहीं है बिल्कुल सम अवस्था में तो सूत्र नंबर सेवेंटी थ्री <clears throat> बुद्धि पर्यंत संसारे माया विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्काम शोभते बुद्धि पर्यंत बुद्धि पर्यंत मतलब बुद्धि तक संसारे माया मात्रम विवर्तते संसार में केवल माया मात्र ही विराज विराजमान विद्यमान है भ्रम के रूप में विद्यमान है अच्छा एक उसमें कहा गया है कि देखिए मैं अरुमोर तोरते माया जय बस की ने जीव निकाया गो गो चर जह लगी मन जाई सो सब माया जान हूँ भाई भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी को ये उपदेश दिया था उन्होंने कहा था कि मैं अरुमोर तोर और तय मे मैं और मेरा तू और तेरा ये माया है मैं अरुमोर तो तैय माया आधी चौपाई के अंदर माया की इतनी अच्छी डेफिनेशन आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकती मैं अरुमोर तोर तै माया <laughs> पांच शब्दों में छह शब्दों में माया की डेफिनेशन मेरा मैं और मेरा तू और तेरा ये माया है और इस माया ने जही बस कीने जीव निकाया सारे जीवों के समूह को सारी दुनिया में जितने जीव हैं सब को उसने अपने वश में कर लिया या लक्ष्मण भैया तुम ये ध्यान से अगर विचार करने लगो तो गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जान हो भाई आपकी इंद्रिया जहां तक जा सके इंद्रियां जा सके का मतलब आपकी आंखें जहां तक देख सके आपके कान जहां तक सुन सके आपकी त्वचा जहां तक स्पर्श कर सके आपकी घ्राण जहां तक स्मेल ले सके आपकी जिवा जहां तक स्वाद ले सके जहां तक कोई भी अच्छा बुरा सो सब माया और इतना ही नहीं गो गोचर जह लगी मन जाई, जहां तक मान लीजिए आंख कुछ देख रही है तो उसकी एक सीमा है लेकिन आंख क्या देखना चाहती है मन से सोचो कि आप क्या देखना चाहते हैं तो हजारों मील दूर क्या है तो वहां तक भी पहुंचा देगा तो मन तो कहां से कहां पहुंचा देगा लेकिन मन जहां तक पहुंचा देगा वहां तक माया ही है गो गोचर जह लगी मन जाए जहां तक मन जाए सो सब माया जानो भाई उसने लक्ष्मण ने पूछा था कि माया क्या है जरा मुझे बताइए अच्छा यहां बताया गया कि मन जहां तक जाए वहां तक माया इस बात का निर्णय कौन कर रहा है कि ये माया है सत्य नहीं है माया है बुद्धि कर रही है और अष्टावक्र जी उससे दो कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते बुद्धि पर्यंत बुद्धि भी माया बुद्धि भी तो माया है जो इस बात का निर्णय कर रही है कि क्या माया है वो बुद्धि भी माया है बहुत सुंदर है बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम और ये एक इल्यूजन एक है एक भ्रम जैसा फैला हुआ है ऐसी माया विद्यमान है और जो ज्ञानी होता है वो कैसा है निर्ममो निरहंकारो निष्काम शोभते बुधा जो बुद्ध महापुरुष है जो बुद्ध पुरुष है जो ज्ञानी पुरुष है जो जो अपने आत्मा में जागृत हो चुके हैं वो निष्काम है निर्मम है निरहंकार है उनमें मैं और मेरा नहीं है अहंकार और ममता नहीं है निर्ममो निरहंकार स्वशांति मदि गीता जी में कहा गीता जी में निर्मम और निरहंकार होने पे बहुत जोर दिया गया ममता और अहमता त्याग करने पे बहुत जोर दिया गया कि आप ममता रहित अहमता रहित हो जाओ अहंकार रहित हो जाओ सोच के देखे ना मैं किसको कहते हैं मेरा किसको कहते हैं एक अगर उसकी कोई परिभाषा हम करने लगे समझने के लिए तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जितने भी परिस्थितियां हैं उन सब में खुद को रख दिया खुद को स्थापित किया तो हो गया मैं मान लीजिए यह शरीर संसार का हिस्सा है तो इसको मैंने कह दिया यह मैं पुरुष मैं, ज्ञानी मैं डॉक्टर मैं, जितने पद हैं फलाका मंत्री मैं, डायरेक्टर मैं, और जो बल है बलवान में कमजोर में योग्यता है उन सारी चीजों को जो संसार में चारों तरफ वस्तुएं हैं और गुण हैं, परिस्थितियां हैं उनको अपने अंदर आरोपित कर दिया उसको कह दिया मैं और खुद को उनके अंदर बिठा दिया खुद को उनके अंदर बिठा दिया तो हो गया मैं और उनको अपने अंदर रख लिया तो हो गया मेरा खुद को उनके अंदर बिठा दिया तो हो गया मैं और उन सबको अपने अंदर बिठा दिया तो हो गया मेरा शरीर मेरा बल मेरा योग्यता मेरी गुण मेरे अवगुण मेरे चीजें मेरी परिस्थिति मेरी सब कुछ मेरा 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 हो गया तो मैं और मेरा अच्छा ये मैं और मेरा बनेगा कैसे ये बनेगा प्रकृति के संबंध से क्योंकि प्रकृति में खुद को रखेंगे तो मैं बनूंगा उसको इसमें उस सब को अपने में रखेंगे तो मेरा बनेगा तो प्रकृति के संबंध से ही तो बनेगा मैं और मेरा तो जो प्रकृति से अतीत आत्मा के साथ संबंध हो गया जब अपना अपने आप के साथ संबंध हो गया तो प्रकृति के साथ संबंध समाप्त हो गया ऑटोमेटिकली संबंध समाप्त हो गया तो मैं और मेरा समाप्त हो गए निर्ममो निरहंकार और क्योंकि मैं जो हूं मेरा स्वरूप ये पूर्ण है क्योंकि मैं पूर्ण में मर्ज हो गया हूं पूर्ण में मिक्स हो गया हूं पूर्ण में जाके विलीन हो गया हूं तो उस पूर्ण तत्व में विलीन होने के कारण मैं पूर्ण हो गया हूं तो इसलिए अब में कोई अभाव नहीं है इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अब मुझे कोई भी कामना नहीं है कोई भी कामना नहीं है कोई भी मतलब कोई भी का मतलब कोई भी अर्थात मुझे अब भगवत प्राप्ति की भी कामना नहीं है अब मुझे स्वरूप साक्षात्कार की भी कामना नहीं है अब मेरे कोई भी कामना नहीं है निष्काम तो ऐसा बुद्ध महापुरुष ऐसे इस प्रकार से सुशोभित होता है निष्काम शोभते बुध हम लोग मैं और मेरा बहुत सारी चीजों के साथ मेरा मेरा बना लेते हैं ये संबंध बना लेते हैं वास्तव में जब हम आए तो अपना मेरा कुछ भी नहीं था और नाम भी नहीं था जब आए तो कोई नाम रखवा के थोड़ी आए थे नाम भी तो बाद में मिला मैं कौन हूँ मैं दिनेश हूँ ये मैं हूँ मेरी पहचान है ये नाम तो ये पहचान कब बनी संसार में आने के बाद बनी ये संसार में आने के बाद ही तो पहचान बनी है जो सबसे नज़दीक जिसको मैं सबसे अपनी पहचान में सबसे जो पहले बताता हूं कि मैं कौन हूं तो बताता हूं मैं ये उसके बाद बाकी चीजें बताता हूं वो सारी भी तो बाद में आई इसका मतलब मैं तो उससे पहले था पहले था तो फिर पहले में क्या था कुछ तो था पहले क्या था तो ये सारे संबंध विचार करने चाहिए बैठ के सोचना चाहिए कि ये सारे संबंध कहां से आ गए है ना जैसे एक व्यक्ति कहीं समुद्र के किनारे टहल रहा था शाम को टहलते टहलते उसने देखा रेत में दबी हुई कोई चीज उसके पैर से टकराई उसने देखा नीचे से झुक के देखा तो एक छोटी सी छड़ी थी चांदी की छड़ी जैसे वॉकिंग स्टिक होती है तो चांदी की छड़ी लेके वो बहुत खुश हुआ उसने जाके पानी में धोया देखा तो खूब चमक रही थी तो उसने बड़ा संभाल के उसको अपने पास रखा बहुत अच्छे मूड में था उसने सोचा कि चलो अब यहां तक आए पैर वैर गिले के मिट्टी हो गई सारी ते रेत लग गया हाथ को तो थोड़ा स्नान कर लिया जाए स्नान करने के लिए जैसे थोड़ा सा आगे बड़ा एक लहर आई बड़ी जोर से उसके हाथ में से बैलेंस करने के चक्कर में हाथ में से वो छड़ी गिरी और उसको समुद्र बहा के ले गया अब वो बीच में जंप मार के उसको ला तो सकता नहीं था गायब हो गई अब वो रोने लगा चिल्लाने लगा रोने लगा मेरी छड़ी खो गई मेरी छड़ी खो गई मेरी छड़ी खो गई वहां से कोई सज्जन जा रहे थे कोई वो बोले कि क्या बात है आप क्या क्या हो गया बोले कि मेरे पास एक चांदी की छड़ी थी वो खो गई ओहो आप चांदी की छड़ी लेके नहाने क्यों गए थे यहाँ उसको लेके घूमने क्यों आए थे बोला कि मैं लेके नहीं आया था मुझे तो यहाँ पड़ी हुई मिली थी पड़ी हुई मिल गई थी तो बोले अच्छा पड़ी हुई मिली थी और चली गई तो फिर उसमें रोने की क्या बात है जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं वो चली गई तो फिर रोने की क्या बात है अब विचार कीजिए कि हमें हमारे पास जो कुछ है हम जिस चीज के लिए दुखी होते हैं किसी चीज के वियोग से तो वो क्या हमारे पास पहले से था नहीं संसार से जो मिला हमारे तो संसार ने ही जो कुछ दिया इस प्रकृति ने दिया और प्रकृति ने वापस ले लिया तो इस प्रकार विचार करने से थोड़ी सी अहमता और ममता का बंधन कम होता है कम होता है और समाप्त होता है तो इसलिए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति ऐसा बुद्ध महापुरुष निर्ममो निरहंकारो निष्काम शोभते निष्काम शोभित सुशोभित होता है सूत्र नंबर चौहत्तर अक्षयम गतापम आत्मा पश्य मुने क्व विद्या क्व च व विश्व क्व देहो हम मेति वही बात फिर से दोबारा आ गई देखिए कहते हैं कि अक्षय गत संतापम आत्मा पश्यतो मुने हैं ये ये जो मुनि है ये जो ज्ञानी है ये जो महापुरुष है जिसकी वर्णन आजकल हम कर रहे हैं वो कहते हैं अक्षय गत संतापम अक्षय और संताप रहित आत्मानम पश्य तो मुने आत्मानम मतलब आत्मा को स्वयं को देखते हुए यानी स्वयं को वो कैसा देखता है कि मैं अक्षय हूं और मैं संताप रहित हूं अक्षय हूं और संताप रहित हूं संताप किसको कहते हैं जो हमें तपाए उसका नाम है संताप कोई दुख भी हमें तपाता है सुख भी हमें तपाता है कई बार बेचैन करता है उद्विघ्न करता है तो जिसको हम सुख और दुख कह देते हैं वो सारे संताप हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि जो संसार के साथ जितना संबंध है वो सब संताप है या तीसरा कहें कि जो मैं और मेरा ये दो शब्द हैं यही सबसे बड़ा संताप है मैं अक्षय हूं अक्षय का मतलब मेरा अक्षय नहीं होता मैं अविनाशी हूं मैं कैसा तत्व हूं मैं अविनाशी हूँ शिवोहम अविनाशी तत्व हूं और वो अविनाशी तत्व अक्षय में कोई उस अक्षय तत्व के अंदर कोई संताप नहीं होता कोई उसके साथ प्रकृति का संबंध नहीं है तो संताप कहां से आएगा उसमें अपूर्णता नहीं है तो कोई इच्छा कैसे आएगी इच्छा नहीं आएगी तो संताप कैसे आएगा मैं और मेरापन नहीं होगा आप कह सकते हैं कि यह स्वरूप मेरा है नहीं अगर मेरा और स्वरूप ये दो शब्द कहते हैं तो कहीं गलती हो जाती है क्योंकि मैं ही वो स्वरूप हूं असली आत्मा असली मैं कौन है असली मैं आत्मा वो मैं आत्मा के साथ मैं शब्द भी नहीं लगता उस मैं के साथ मेरा भी नहीं लगता तो बस वो एक आत्मा ही है है ही है बस वो और कुछ भी नहीं है अक्षयम गश्य तो मुने ऐसे व्यक्ति के लिए क्व विद्या विश्वम क्व देहो हम अति उसके लिए क्या विद्या क्या विश्व क्या शरीर क्या मैं क्या मेरा ये सारी बातें बार बार हो चुकी हैं बार बार हो चुकी हैं बार बार कहने का फायदा नहीं लेकिन बार बार कहा क्यों जा रहा है जब हम इतना पढ़ते पढ़ते बार बार हमें लगता है कि इतना रेपिटेशन आप विचार कीजिए कि ये रेपिटेशन ये बातें हमें चौरासी लाख योनिया बीत गई होंगी तब जाके मनुष्य का शरीर मिला होगा और एक बार नहीं अनेकों बार मिल चुका होगा अनेकों बार शरीर मिल चुका फिर भी हम भूल जाते हैं फिर भी हम इन बातों को अभी तक अपने अंदर दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर पाते तो इसको तो इनको इन बातों को तो जितनी बार रिपीट किया जाए उतनी बार कम है उतना कम है इसीलिए इन ग्रंथों में जो होता है ना जो रेपिटेशन होता है वो इन ग्रंथों का एक आभूषण होता है इन ग्रंथों का गुण होता है जो हमें जगाने वाले ग्रंथ हैं, बस वही बात है कि हम इनको जगाने वाला मानते नहीं इन जगाने वाला समझते नहीं हम केवल इनको बस एक रूटीन में पढ़ लेने वाला ग्रंथ मान लेते हैं और थोड़ी देर डिस्कस करके अपने आप को बहुत विद्वान समझ लेते हैं अपने आप को धन्य समझ लेते हैं वो जीवन में उतरता नहीं तो उस अध्ययन का भी कोई फायदा नहीं तो मैं बार बार इस चीज को कहा करता हूं कि फायदा तो तब है कि अगर एक भी श्लोक एक भी सूत्र हमारे जीवन में ऐसा गढ़ जाए कील की तरह से गढ़ जाए हमारे अंतःकरण में ऐसा उतर जाए कि सब कुछ पांचों कोशों को भेद के सीधा आत्मा में जाके टच करे अन्न कोश प्राण कोश मनोमय कोश विज्ञान में कोश आनंद में कोश उन पांचों कोशों को चीरता हुआ अंदर जाके उस आत्मा की ज्योति में जाके गड़ जाए। काश कोई ऐसा सूत्र हमारे अंदर ऐसा उतर जाए तो यहां कहा गया कि उसके लिए ये संसार भी कुछ नहीं है विश्व भी कुछ नहीं है उसके लिए शरीर भी कुछ नहीं है मैं भी कुछ नहीं है मेरा भी कुछ नहीं है मैं मेरा ये मेरा शरीर ये मैं कहते हैं सब कुछ नहीं है मैं मेरा के भाव सारे समाप्त कांता इमे में तनिया इमे में पशुअष्ट में गृहा इमे में 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 एक हमारे ना शास्त्रों में कहते हैं कि ये पत्नी मेरी ये बेटी मेरी ये बेटा मेरा ये घर मेरा संस्कृत में मेरा को कहते हैं मे तो इस प्रकार से हर चीजों में यह पशुधन मेरा कहते हैं कि ये मैं मैं करते करते ना एवं नरो मेघ समान रूपो भेड़ की तरह से मैं मैं बकरी की तरह से मैं करते करते क्या होता है कि मैं में, में कृत काल व्रिकेरण नीत काल रूपी भेड़िया आ जाता है और वो आके खा जाता है आके भक्षण कर लेता है पकड़ लेता है तो ये जो मेरा मेरा है इस मेरा को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा आपने वो कथा सुनी होगी बेसिकली ये सोचना चाहिए कि मैं कौन मेरा क्या है कुछ भी नहीं है मैंने क्या क्या किया किया कुछ भी नहीं किया, मेरा क्या है, कुछ भी भी नहीं नहीं मेरा है है ये जितना भी सब कुछ है मैं 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 करने की वजह से मैं 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 आपने वो कथा सुनी होगी एक बार ना बहुत सारे संत आपस में सत्संग कर रहे थे डिस्कस कर रहे थे उनको लगा कि इतना विद्वान इतना बलशाली रावण जिसने कई बार देवताओं को हरा के पूरे स्वर्ग को खाली करा दिया था जहां वो जाता था तो वहां से देवता छोड़ छोड़ के कंदराओं में जाके छिप जाते थे अपने घर छोड़ छोड़ के अपने लोक छोड़ छोड़ के भाग जाते थे जान बचा के इतना इतना विद्वान वो रावण मरा कैसे तो किसी ने कहा कि भी देखो सीधी सी बात है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसने सीता जी का हरण कर लिया सीता जी का हरण करने की वजह से सीता तो आद्या शक्ति है मां जगदम्बा है तो उनकी शक्ति के कारण रावण मर गया उनकी जो दृष्टि वक्र हुई होगी थोड़ी सी उसके रावण मर गया तो दूसरे ने कहा कि ठीक है सीता का हरण कर गया था लेकिन तब तक तो वो आराम से बैठा था ना जब तक हनुमान जी नहीं थे जब हनुमान जी आए सीता का पता लगा लंका जली उसके बाद सेना आई तब जाके तो रावण मरा तो ये हनुमान जी थे मेन कारण हनुमान जी की वजह से रावण मरा तो हनुमान जी नहीं बताते तो राम जी कहा जाते उसको मारने एक और संत ने एक और भाव दिया उन्होंने कहा कि तो राम जी जाते तो भी क्या कर लेते उसको ऐसा वरदान प्राप्त था हनुमान राम जी को तो पता ही नहीं चल रहा था कैसे मरे तत्व तो युद्ध परिश्रांतम युद्ध में परिश्रांत थके हुए खड़े थे सामने रावण को देख के और पसीने गए थे उनको उन्होंने विभीषण से पूछा था तो ये मेरे विचार से विभीषण अगर नहीं बताता कि इसकी नाभिकुंड पीयूष बस जाके इसकी नाभिकुंड में अमृत है आप उसको सुखाओ तभी मरेगा अगर ये युक्ति विभीषण नहीं बताते तो कैसे मरता इसके ऊपर काफी लोग सहमत हुए लेकिन फिर किसी संत ने एक और भाव दिया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अगर अगस्त्य मुनि जाके उनको सूत्र नहीं देते उनको रावण को मारने का मंत्र नहीं बताते तो रावण कैसे मरता तो अगस्त मुनि के कारण मरा तो सबने सोचा कि जाके राम जी से ही पूछे तो सबने जाके पूछा कि भगवान आपने रावण को कैसे मारा हमें तो आप ये बताओ राम जी ने कहा मैंने तो मारा ही नहीं रावण को मैंने नहीं मारा रावण को रावण की मैंने मारा रावण को मैंने नहीं मारा रावण को मारा रावण की मैं ने मारा ये जो मैं है ना कि मैं ये सभी अनर्थों की जड़ है बस ये सोच लेना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है बरबरीक की कहानी याद रखनी चाहिए संत बरबरीक जिन्होंने अपने शीश का दान भगवान को दिया था भगवान कृष्ण को महाभारत के काल की घटना आपको सबको याद है जो आजकल खाटू में श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं तो एक महादानी कहलाए उन्होंने अपना शीश काट के भगवान को दान दिया था और भगवान से वरदान पाया था कि उनका वो सिर एक ऊंची जगह पे रख दिया गया था क्योंकि भगवान ने सिर को काटा था तो वो मरे नहीं थे तो उनका सिर वो जीवित अवस्था में ऊपर से बैठ के पूरी महाभारत को देख रहे थे बाद में जब एक बार सभी पांडवों में आपस में बहस हुई किसी ने कहा कि मेरे गांडीव से मैंने इतने युद्ध के इतने योद्धाओं को मारा तो मैंने सारे युद्ध की दिशा बदल दी थी किसी ने कहा कि मेरे भाले से मरे युधिष्ठ जी ने कहा भीम ने कहा कि अपनी गदा से मैंने सौ के सौ कौरों मारे थे तो इस प्रकार आपस में बातें कर रही थी कि मैंने किया मैंने किया तो सबने सोचा कि भगवान से पूछते हैं तो भगवान बोले कि भैया मुझे तो नहीं पता मैं तो सिर्फ युद्ध में रथ चला रहा था तो एक संत है बरबरीक उन्होंने देखा था उनसे पूछ लेते हैं बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी की गदा चलती नहीं देखी किसी का भाला चलते नहीं देखा किसी के घोड़े नहीं देखे किसी के रथ नहीं देखे कोई गांडीव नहीं देखा मैंने देखा तो बस एक सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा शक्ति कोई और काम कर रही है ये याद रखना चाहिए कि मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता मैंने तो कुछ भी नहीं किया मैं कुछ कर सकता भी नहीं तो ये मैं और मेरा वाला संबंध जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं और जो इस आत्मा में जागृत हो गया उसमें मैं और मेरा का भाव जागृत ही नहीं होगा क्योंकि मैं और मेरा ये अंत्यकरण के धर्म है अंत्यकरण में जाके जा बनते हैं तो बस इसके बाद अब आते हैं सूत्र नंबर चौहत्तर पिचहत्तर सेवेंटी फाइव निरोधादी कर्माणी जहाति जड़ धीर यदि मनोरथान प्रपाल प्रपात मनोरथान प्रलापांश कर्तुम आपनोति तत्क्षणात् जो जड़ दी है जड़ी मतलब जड़ बुद्धि जड़ बुद्धि का मतलब मूर्ख नहीं जड़ बुद्धि का मतलब ऐसा साधक जिसकी बुद्धि में अभी मैं और मेरा बाकी है ऐसा व्यक्ति जिसका मैं और मेरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ जिसके अंदर कर्ता भाव अभी तक समाप्त नहीं हुआ ऐसा जड़ बुद्धि अगर इस उपदेश को सुन के निरोधादि योगश चित्रवृत्ति निरोध यानी वो साधना जो योग की साधना उन सबको छोड़ भी दे क्योंकि पीछे कहा गया बार बार कहा गया कि ये जो बुद्ध महापुरुष होते हैं वो उनको कोई निरोधादि कर्म करने की जरूरत नहीं होती उनको कोई योग संबंधी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं होती वो छोड़ देते हैं सारी योग वो काय की समाधि लगाए काय का ध्यान लगाए जब वो खुद में जागृत हो गए तो जब इस जड़ बुद्धि जब इस साधक को ऐसा लगता है जो अभी अपरिपक्व साधक है जब उसको ये लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया ऐसा भ्रम हो जाता है तो उसे लगता है कि अब मुझे ये योग आदि क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है वो ना ध्यान में बैठता है ना कुछ कुछ भी नहीं करता तो कहते हैं तत्क्षण क्या होता है जब जानबूझ के इन क्रियाओं को छोड़ता है जो छूट जाती है वो अलग बात है जब जानबूझ के छोड़ता है तो कहते हैं कि जब छोड़ने के बाद तत्क्षण कैसा होता है मनोरथों और प्रलापों में वो लिप्त हो जाता है मनोरथान प्रलापांश प्राप्तम आपनोति। तो मनोरथ और प्रलाप क्या चीज है मनोरथ तो कामनाएं हैं। ऐसा हो जाए ऐसा ना हो मेरे मन की बात सब जगह पूरी हो जाए यह बस सबसे बड़ी कामना है तो ये जो कामनाएं हैं वो समा वो वो उसको घेर लेंगी आके और प्रलापान प्रलाप अर्थात गपशप वो सारी उसको आके घेर लेगी और कैसे तत्क्षण आके घेर लेगी तो यहाँ पे कहा गया कि जो जड़ बुद्धि होगा उसकी तो ये हालत होती है और जो बुद्ध पुरुष है उसकी वो हालत होती है बेसिकली कर्म तो करते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा उसके बिना निर्वाह होगा भी नहीं लेकिन कर्म में जब तक आ सकती है कर्म में जब तक फल के अंदर आ सकती है कर्म के अंदर जब तक कामना है कर्म के अंदर जब तक कर्तापन है तब तक वो कर्म बंधनकारी रहेंगे तब तक वो कर्म हमें अनेक कामनाओं में और एक प्रलापों में लिप्त कर देंगे उसी बात की चर्चा उसी बात के लिए सावधान करने के लिए यह सूत्र दिया गया सूत्र नंबर सेवेंटी सिक्स तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ निर्विकल्पो बहिर्यतनादंतर विषय लाल सह अब यहाँ मंद व्यक्ति की बात दोबारा बता रहे हैं कहते हैं कि मंद बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है इस प्रकार का जड़ बुद्धि कहा गया यहाँ पे मंद मंद बुद्धि कहा गया ऐसा व्यक्ति मंद मंद मतलब मंद बुद्धि <coughs> श्रुत्वापि तद वस्तु उस तत्व को उस तत्व की वस्तु को उस उस वस्तु को अर्थात उस तत्व को परमात्म तत्व का श्रवण करके श्रुता श्रवण करके भी न जाती विमूर अपनी विमूरता को नहीं छोड़ता अपना अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ता अपना मैं और मेरा नहीं छोड़ता उसको बहुत बड़े से बड़े कोई गुरु मिल जाए बहुत बड़े से बड़े ज्ञानी महापुरुष मिल जाए उसको समझाए तो भी उसका मैं और मेरा नहीं छूटता क्योंकि मैं और मेरा अपने आप छोड़ने वाली चीज है किसी के कहने से नहीं छूटेगी देखिए असली श्रवण क्या है जी शुत्वा की बात है ना श्रवण बहुत मार्मिक बात आपको बताता हूं श्रवण के दोनों तरफ अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए तभी वो श्रवण कहलाएगा मैं इसको फिर रिपीट करूंगा इस सूत्र की बात है बहुत सुंदर बात है श्रवण के दोनों तरफ अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए अर्थात मान लीजिए मैं श्रवण कर रहा हूं आप मुझे श्रवण करा रहे हैं तो जब मैं सुन रहा हूं तो मेरे सामने अपरोक्ष अनुभूति करने वाला संत होना चाहिए सुनाने वाला मुझे सुनाने वाला तत्वज्ञ महापुरुष होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए अर्थात जिसने खुद अनुभूति करके देखी है वो होना चाहिए श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ गुरु होने चाहिए ऐसे कहा जाता है श्रोत का मतलब ये होता है कि जो खूब ज्ञानी हो सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हो ब्राह्मणिष्ठ का मतलब होता है कि जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो अर्थात जिन्होंने वो सब अनुभूति में करके अनुभव अनुभव में करके देखा हो जिनको साक्षात अनुभव हुआ हो अगर वो श्रवण कराए फिर मैं उसका श्रवण करूं तो श्रवण के दूसरी तरफ अर्थात मेरे अंदर अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए तभी वो श्रवण वास्तविक श्रवण कहलाएगा नहीं तो यही न हमारे साथ यही होता है अनेकों हिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है बहुत सुंदर शेर था हजारों उपदेशक पैदा कर चुकी है हमारी ये मनुष्य जाति हजारों आप अगर कभी भी अपना टीवी ऑन करें तो हर अल्टरनेट चैनल पे कोई ना कोई महात्मा कोई ना कोई, कोई प्रवचन चल रहा होता है तो हजारों गुरु पैदा हो गए हजारों कथावाचक पैदा हो गए लेकिन ये इंसान तो अब तक भटक रहा है ऐसा क्यों प्रश्न उठाया गया बहुत सुंदर प्रश्न है तो इसके लिए हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि भैया अगर बंदूक की गोली असली बंदूक से निकली होगी तो चोट करेगी अगर श्रोत ब्रह्मनिष्ठ कोई गुरु कोई ऐसा संत कोई ऐसा महापुरुष इसने खुद अनुभूति करके देखी है वो जब कहेगा तत्वमसी तो वो गहरे तक उतरेगी वो गहरे तक हमें चोट करेगी कि वो असली बंदूक की गोली होगी तो वो चोट करेगी लेकिन अगर जिस प्रकार हम आपस में बैठ के चर्चा कर लेते हैं खैर ये भी इसका भी लाभ तो इसका भी होता है लेकिन ये उतना असर इसलिए नहीं करती क्योंकि यहां भी अनुभूति नहीं है वहां भी अनुभूति नहीं हो रही अनुभव नहीं हो रहा हालांकि ये सत्संग चर्चा सत चर्चा ये ऐसा नहीं है कि बेकार है लेकिन इसका असर क्यों नहीं हो रहा क्यों हमें इतना ज्यादा करना पड़ता है पढ़ना पड़ता है उसका कारण यही है कि कहीं ऐसी जगह से मिल जाए अगर हम अष्टावक्र जी को ही अपना सदगुरु मान के उन्हीं से पूछे तो इसी अष्टावक्र गीता इसी ग्रंथ में से वो बात पैदा हो जाएगी गुरु तो तत्व है गुरु कोई कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं तो वो तत्व तो इन शब्दों के अंदर भी है इन शब्दों के बीच में जो स्पेसेस हैं उसके अंदर भी है शब्दों के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां से भी एक वाइब्रेशन मिलती है वहां से भी एक एक इंस्पिरेशन प्रेरणा मिलती है तो वो प्रेरणा वो इंस्पिरेशन वो वाइब्रेशन समय टच करनी चाहिए तो यही कारण है मंदा सुपी न जहाती विमूढ़ता जिसके अंदर मैं और मेरा है वो उस तत्व का श्रवण भी कर ले तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता लेकिन जो बाहर से तो क्या होता है बाहर से वो निर्विकल्प समाधि में भी आ जाए बाहर से वो निर्विकल्प भी हो जाएगा निर्विकल्प है बहि यत्नात यतन करके अभ्यास करके वो निर्विकल्प समाधि तक भी पहुंच जाएगा बाहर से निर्विकल्प जैसा भी दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर अंदर विषयों की लालसा बनी रहेगी विषयों की इच्छा विषयों की कामना अगर जब तक अंदर से नहीं निकली तब तक उस श्रवण का भी कोई फायदा नहीं सूत्र नंबर सेवेंटी सेवन ज्ञात गलित कर्मा यो लोक कर्म कृत नापनोति अवसर कर् वक्त न किंचन ज्ञात गलित कर्मा ज्ञान से जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं यह जो ज्ञान के द्वारा गलित कर्मा हो गया जिसके द्वारा ज्ञान जिसके ज्ञान के द्वारा सभी कर्म गलित हो गए गल गए कर्म गल जाने का मतलब क्या हुआ कि कर्म जो है वो अब आपको फल देने की शक्ति नहीं रखते मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे आप बीज डालते हैं जमीन के अंदर तो वो अंकुरित होता है पौधा बन जाता है पेड़ बन जाता है फूल भी लगते हैं फल भी लगते हैं लेकिन अगर उस बीज को आप भून के डालते हैं, भून ले पहले भाड़ में तो भून देने के बाद जब उसको डालेंगे तो वो कोई अंकुरित नहीं होगा उसी तरह से जब हमारे कर्म कर्तापन के साथ किए जाएंगे तो अंकुरित हो जाएंगे और उसमें कर्तापन निकाल दिया जाए मैं और मेरा निकाल दिया जाए इस दृढ़ता के साथ कर्म किए जाए कि मैं कुछ नहीं करता जब अपने कर्तापन का समाप्त को समाप्त करके कर्म किए जाए तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं वो कर्म भुने हुए बीज हो जाते हैं उनका कोई फल नहीं होता तो उनके कहते हैं गलित कर्मा कर्म गलित हो गए गल गए कर लिया तो गल गए बुनने से गले नहीं तो चलो बॉयल करना समझ लीजिए तो ज्ञान के द्वारा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात करते कहते हैं ज्ञान के द्वारा ज्ञान की अग्नि से तो सारे कर्म भस्म हो जाते हैं तो ये ज्ञान कौन सा है ज्ञान यही है कि मैं कुछ नहीं करता मैं कुछ नहीं ये जगत केवल एक सपना मैं आत्मा ये ज्ञान है बस तो ऐसा व्यक्ति लोक दृष्टिया अपी कर्मकृत लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी दिखाई देता हो यानी संसारिक दृष्टि से देखें तो कर्म करता हुआ भी है तो भी न आपनोति अवसरम कर तुम वक्तुम एव न किंचन तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी अवसर कर्म करने का या बोलने का नहीं होता अर्थात वो किसी भी समय ना तो कर्म कर रहा है ना वो बोलते हुए भी कुछ बोल रहा है ना कुछ कहते हुए कह रहा है ना कुछ सुनते हुए सुन रहा है ना कुछ करते हुए कर रहा है ये ऐसी विचित्र अवस्था है तो कुछ कहने का भी अवसर नहीं होता और कुछ करने का भी अवसर नहीं पाता ज्ञानात्कलित कर्मा कैसे होते हैं ज्ञानात्कलित कर्मा हमेशा अपनी समाधि में रहते हैं हमेशा उनके साथ मन नहीं रहता मन उनके साथ होता ही नहीं क्योंकि वो मन को बहुत पीछे छोड़ के आ चुके होते हैं। तो ऐसे फिर संसारिक जब कर्म करते हुए दिखाई देते हैं तो क्या वो मन को फिर दोबारा स्वीकार करते हैं थोड़ी देर के लिए हाँ आपने वो सुना होगा कि जब भगवान शिव को पार्वती जी ने प्रार्थना की है कि आप मुझे राम की कथा सुनाइए तो प्रश्न पूछते ही शंकर भगवान का क्या हुआ कि शंकर भगवान के मन में जैसे राम की कथा आई राम का स्वरूप सामने आ गया राम की लीलाएं सामने आ गईं वो उन्हीं में मगन हो गए और इसमें जाके एकदम से ध्यान में डूबने लगे कहते हैं कि उस परम प्रेम में ध्यान में डूबने लगे मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर की तो भगवान शंकर ने कहते हैं कि दो घड़ी तक ध्यान के रस में डूब गए दो घड़ी तक ऐसे ही डूब के ध्यान में बैठे रहे फिर फिर दोबारा से राम कथा कहने के लिए भी उनको इस संसार में वापस आना पड़ा अपने मन को स्वीकार करना पड़ा पुनी मन बाहर की तो वहां पे कहा गया कि रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। राम जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए रामचरित उन्हें अपने मन को स्वीकार एक जैन टीचर हुए हैं बौद्ध भिक्षु थे वो, वो कहते हैं कि तो जैन नाम था वो ऐसी अवस्था में हमेशा रहते थे हमेशा समाधि की अवस्था में चलते फिरते भी रहते तो भी समाधि में बहुत से लोग बहुत से शिष्य इस चीज को मिस करते थे कि हम इनके साथ बैठ के कुछ ज्ञान की बात ही नहीं कर पाते इनसे कुछ प्रश्न भी नहीं पूछ पाते तो क्या करें एक बार उनके किसी एक समझदार शिष्य ने एक युक्ति बनाई उसने क्या किया कि जहाँ वो सुबह सुबह ना टहलने जाते थे अपने ध्यान में मगन रहते टहलने जा रहे गर्दन नीचे झुकी होती थी और किसी को देखते नहीं किसी से बोलते नहीं मौन रहते हमेशा तो जब ध्यान जब वो जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने क्या किया कि कुछ रात के बचे हुए चावल रास्ते में बिखेर दिए अच्छा उनकी मोनेस्ट्री में वहां पे अन्न का अनादर करना तो एक अपराध माना जाता था अन्न को वेस्ट नहीं करना अन्न का एक भी दाना वेस्ट नहीं करना ये नियम थे तो चलते चलते जैसे ही इन्होंने रास्ते में चावल बिखरे देखे तो मन में एक बार एक एकदम संकल्प उठे कि कहते हैं कि ये ये कहाँ से आए होंगे ये किसने नीचे गिराए होंगे ऐसा मन में विचार करने लगे तो मन आ गया जैसे मन आ गया तो शिष्यों ने घेर लिया अपने प्रश्न पूछे जिज्ञासा है शांत की तो इस अवस्था में से बाहर आने के लिए प्रयास करना पड़ जाता है ये एक बहुत मजेदार अवस्था है होता तो होना तो ये चाहिए कि हमें संसार के आचरण करने के लिए संसार के काम करने के लिए भगवान की याद से बाहर आना पड़े और भगवान की याद स्वाभाविक रूप से बनी रहे स्वाभाविक रूप से भगवान की याद बनी रहे और संसार का काम करने के लिए हमें प्रयास करके कोशिश करके बाहर आना पड़े ये आइडियल कंडीशन है होता है उल्टा होता यह कि हमें संसार की याद बनी रहती है और भगवान का सुमिरन भजन जप करने के लिए हमें जबरदस्ती ध्यान लगाना पड़ता है बार बार मन भागता है बाहर बार बार मन को लाके भगवान में लगाना पड़ता है जबकि होना ही चाहिए कि बार बार मन भगवान में चला जाए और संसार में आने के लिए बार बार उसको लाना पड़े उसका कारण क्या है उसका कारण है कि जो चीज जिसको अच्छी लगती है उधर ध्यान स्वाभाविक जाता है तो हमारा स्वाभाविक ध्यान संसार में जाता है क्योंकि हमें अभी तक संसार अच्छा लगता है बस ये थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है आज समय की मर्यादा को देखने के लिए हमें लगता है कि यही विराम देना पड़ेगा और हो सकता है कल थोड़े और सूत्र आगे बढ़ सके आज तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए चार पांच पांच सूत्र हो गए आज तो इसे क्रम को फिर कल भगवत इच्छा से भगवत प्रेरणा से फिर उठाएंगे और जैसे जैसे क्रम चलेगा उसमें फिर एक बार आनंद में गोता लगाने की कोशिश करेंगे बाकी ये सारी चीजें असीम हैं इनका वर्णन तो कभी हो नहीं सकता राम गुण सागर था कि पाव ही सन जस के सुने वो तुम ही सुनाय सोई बोलिए गीता गोपाल की जय सच्चिदानंद भगवान की जय आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं राम 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 राम, राम, राम।